अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आपके दामनों में खुशियाँ रहमत बरकत नाजिल हो। अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल करे। मैं भी यहाँ पे अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक की भाजी। पालक की भाजी को मैंने अच्छा काट लेके सो बारीक काट लिया है और इसको अच्छा 3-4 पानी से धो के इसको मैंने छन्नी में डाल के रख लिया है ताकि इसका पानी अच्छा निथर जाए। अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 डली प्याज। यहाँ मैं कुकर चढ़ा ली हूँ, गरम हो गया। इसमें डालेंगे अपन 1, 2, 3 4 बड़े चम्मच से, खाने के चम्मच से, मैंने यहाँ पे बड़े खाने के चम्मच से 4 चमचे तेल डाल लिया है। अब ये तेल गर्म होने के बाद में अपन डालेंगे इसमें प्याज। यहाँ पे तेल की कड़कड़ाहट का ख़त्म हो गई, अब ये गर्म हो गया थोड़ा सा। अब इसमें डालेंगे अपन प्याज। मैंने 2 डली प्याज ली है। इसको भी ज़्यादा लाल नहीं करना, कच्ची पक्की कर लेना, ज़्यादा लाल नहीं करना, तो पैसे कच्ची पक्की कर लेंगे। और इसमें डालेंगे अपन यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन ले लिया है। अदरक लहसुन को अच्छा थोड़ा सा तल लेंगे, इसको भी ज़्यादा लाल नहीं तलना, थोड़ा सा तलना। चलिए बस इतना ही काफ़ी है। इसको इसमें डालेंगे नमक, हसबे जायका। पालक में भी नमक रहता, आप लोग सोच समझ के डालना। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी ले ली है, इसको भी डाल देंगे अपन। थोड़ा सा तल लेंगे इसको भी। और इसमें डालेंगे अपन गोश्त। यहाँ पे मैं थोड़ा ली हूँ, अच्छा गोश्त ली हूँ। इसको अपन मटन ले ली हूँ मैं, इसको भी अपन अच्छा लाल थोड़ा पके तक तल लेंगे। अभी से पानी नहीं डालेंगे, ये थोड़ा सा गोश्त गोश्त का पानी सूखे बाद में अपन इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने पानी डाला है इसमें, 1 कप पानी डाली हूँ मैं इसमें। अब इसको अपन लगा देंगे 3-4 सीटी, इसमें गोश्त गलने तक, गोश्त अच्छी तरह से गल जाना, सीटी लगा देंगे। यहाँ पे 4/4 सीटी हो गई है, अभी 1 सीटी हो गई तो निकाल लेंगे अपन। यहाँ पे पानी अच्छा सूख गया, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। यहाँ पे प्याज, जरी सी भी प्याज मैं देख ली, अच्छा भुने गई, प्याज भी गल गई और गोश भी अच्छा गल गया। अभी और पालक की भाजी डाल के अपन
यहाँ पे डालेंगे पालक की भाजी। अब ये दबके थोड़ी हो जाती उसका भुनना है इसको, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके पानी की खुद ये गल जाती। यहाँ पे इसको अपन अच्छा हिला लेंगे, ऊपर नीचे करेंगे अच्छा। और ये दब जाती पूरी, दिखने को बहुत दिख रही मगर ये सूख के एक कटोरा दो कटोरे छोटी, ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये। अब देखिए मैं कितनी डाली थी, कितनी हो गई है दब के, एकदम थोड़ी हो गई। इसको अच्छी तरह से सूखा भून लेंगे अपन। इसको भी चाहे तो अपन एक दो सीटी दे सकते हैं, या नहीं तो ऐसे ढक्कन लगा के सिम पे पका सकते। यहाँ पे मैं अच्छा देखें पानी तक छुट गया इसमें। अब इसमें डालेंगे अपन हरी मिर्ची, छिगाव करके रखी मैं, छिगाव कर ली थी। इसमें डालेंगे कोथमीर, इसको अपन अच्छा भून लेना, सूख का भून लेना है इसको। ये जो पानी दिख रहा है ये पानी पूरा सूख जाना, पतली पतली नहीं रखने का इसको, पानी पानी नहीं रखने का, अच्छी तरह से भून लेना। पानी एक थोड़ा है जो पानी पे अच्छा सूख जाना, भी अच्छा भुनेंगे अपन। वैसे तो मैं बारीक काट ली हूँ इसको, तो अच्छी तरह से काट ली, ज़्यादा भुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होता। आप बारीक अगर काट लें तो पहले पालक को धो लेना, पालक को धो लेके अच्छा उसके बाद में कट कर लेना। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से पालक भी भुने गई, और इसमें थोड़ा सा इसको दम पे रखेंगे अपन। थोड़ा सा दम पे रखेंगे, बगैर सीटी लगाए के इसको दम पे रखेंगे। सीटी नहीं लगाएंगे, खाली ढक्कन ढाप देंगे। यहाँ पे पालक गोश्त बन के तैयार है। मैं कितनी डाली थी पालक देखे आप लोग, बन के यहाँ पे एक कटोरा हो गया। यहाँ पे बहुत मज़े की होती, आप लोग गोश्त में डाल के बना के देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में अतीफा को याद रखिए। कैसी बनी मेरी रेसिपी आप लोग कमेंट्स कर सकते, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते, अगर मैं गलत बनाई तो भी आप पूछ सकते क्या है इसमें फॉल्ट। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर एक नई डिश लेकर मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वज़्ज़। अल्लाह हाफिज़।